और ये टायर मैं आपको दिखाना चाहता था और 15,100 किलोमीटर चला है। और यहाँ पे जो है वो अपना टायर का चेंज करवाने आया हूँ। सो देखते हैं कितना देर लगेगा और प्राइस वगैरह स्कूटी में टायर कितना का लगा सब कुछ बताऊंगा। सो या सो स्कूटी में मैं टायर चेंज करवा लिया हूँ, घर जा रहा हूँ। अभी इसका पॉल्यूशन भी करवाना है। ये रहा पुराना टायर और सगना मोड़ के आसपास हूँ और गोला रोड पे इसका जो है पॉल्यूशन करवाना है, तो पॉल्यूशन भी आवश्यक है गाइस। और आई थिंक इसका एक्सपायर हो चुका है कब का, तो चलते हैं वहाँ पे इसका पॉल्यूशन करवाना है। तो काफ़ी स्मूथ चल रहा है, मतलब काफ़ी दिन से इसमें हवा कम थी और अनइवन चल रहा था, तो थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस है। पॉल्यूशन का काम हो गया है वहाँ से करवाया मैंने। ऑल राइट गाइस, तो सारा काम हो चुका है और घर जा रहा हूँ, तो घर पे पहुँचते हैं और बात करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो घर में आ गया हूँ और ये टायर मैं आपको दिखाना चाहता था। तो काफ़ी जो है ये पुराना हो चुका है और 15,100 किलोमीटर चला है, अप्रॉक्सीमेटली 15,000 कह सकते हो। और इसमें जो है वो काफ़ी जो है वो टायर जो आप लोग देख रहे हो काफ़ी घस चुका है और इसका मतलब है कि काफ़ी मतलब ख़राब हो गया था, बनने लायक था ही नहीं, चेंज करना ही पड़ रहा था, कहीं कहीं से फूल जा रहा था। तो ये टायर जो था वो एकदम कह सकते हो कि खत्म ही था, इसलिए चेंज करना पड़ा। एंड गाइज, रही बात आपका टायर की, तो मैंने टायर लिया था सीएट मिलाजे, ऑनलाइन लिया था मैंने आपका फ्लिपकार्ट से, और वहाँ जो है मुझे 1,000 पड़ा था, 1,015 रुपये। और चेंज करवाने के लिए मैंने सिंपल कोई भी दुकान पर जाओगे तो चेंज हो जाएगा, 40 रुपये वहाँ पर लगे, अप्रॉक्सीमेटली कह सकते 1,050 रुपये में जो है वो मेरा सारा कुछ हो चुका था। दुकान में मैं पूछा था तो कहीं पे 1,500-1,300 ऐसे प्राइस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं और उसके बाद जो है वो लगवा लेंगे। दूसरी बात, जो टायर अगर आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो तो उसका साइज वगैरह जरूर देख लेना कि साइज क्या है, आपको आगे का या पीछे का टायर चेंज करवा रहे हो तो एक्टिवा होगा या कोई भी स्कूटी होगा तो उसका आप मॉडल देख लो, उसमें जो है रिसर्च थोड़ा बहुत कर लो कि कौन सा टायर है, कितने साइज का है। हालांकि सब कुछ सेम ही रहता है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लो तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जो है ये इसमें पॉलिसी वगैरह होता है, ऑनलाइन टायर मंगवाओगे तो उसमें आप रिटर्न नहीं कर सकते, तो ये आप लोग ख्याल रखना। सो ऑनलाइन देन आई होप कि ये सब जो था इन्फॉर्मेशन वीडियो था, ताकि अगर कोई भी नया टायर वगैरह लगवाना चाहते तो उनके लिए है। और मैं यही कहूँ कि ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते तो काफ़ी अच्छा हुआ, या खुद का टायर ही ले जाकर चेंज करवाएं तो काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि हो सकता है कि दुकान वगैरह में जाएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही प्राइस वो बोल देंगे, एज यू नो लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ है तो ये भी हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना रखता हूँ, आशा करता हूँ कि ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, कोई भी सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। अब जो है इसके बाद क्या है कि अभी जाना है वैक्सीन लेने, तो उसके लिए सुन रहा हूँ अलग से ब्लॉग बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।